फ्रेंड्स, आज हमारे सर हमें सारे ब्रेन के सीक्वेंस और जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं और स्पाइन के सार सब कुछ बताएंगे। ये भी हमारे स्टूडेंट हैं और ये हमारे सर बैठे हुए हैं। सर, आज कौन कौन से सीक्वेंस बताएंगे? आज स्टार्ट करते हैं हमारे ब्रेन से। ओके, हमारे ब्रेन में लेते कौन कौन से सीक्वेंस हैं आप बताओ? कौन कौन सीक्वेंस देते हैं हमारे ब्रेन में, देखते हैं तो कौन कौन सीक्वेंस देते हैं? डिफ्यूजन और देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेयर एक्सियल प्लेयर, उसके बाद सहज कॉर्नर, ठीक है, सहज और कॉर्नर, ठीक है, ये इतने सीक्वेंस देते हैं सहज और कॉर्नर, ये एमआरआई ब्रेन में लेते हैं। अब ब्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट है प्लेयर लेते हैं। जैसे देखो प्लेयर की इमेज ये आ रही है, ये प्लेयर है, ये डिफ्यूजन, ये जीआरई, जूम भी करते हो कैमरे के वीडियो से, ये जीआरई, ये हमारा कौन सीक्वेंस बताओ? ये आप कौन सीक्वेंस लग रहा है इसमें? फैट देखो, फ्लूड देखो, कैसा लग रहा है? ये है एक्जियल टी टू, ठीक है, एक्जियल टी टू, ये हो गया टी वन, ठीक है, ये हो गया टी वन। मैं आपको बड़े व्यूअर पे दिखाता हूँ, अभी ये बताओ ये कौन सा सीक्वेंस है? कौन सा सीक्वेंस है? ये प्लेयर है। प्लेयर में भी फैट ब्राइट होता है, सीएसएफ ब्लैक मतलब हाइपो इंडेंसिटी। ये कौन सा सीक्वेंस है? ये डिफ्यूजन की सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये बताओ आप कौन सा सीक्वेंस है? ये सीक्वेंस कौन सा है? एक्जियल जीआरई है, ये जीआरई, एक्जियल जीआरई, ये जीआरई है। अब इसमें देखो ये सीक्वेंस कौन सा, अभी बताया था इसके बारे में, सीक्वेंस कौन सा है? T2 क्यों नहीं है? T1 नहीं हो सकता? एक्जियल T2, ये T2 क्यों है? T1 मुझे तो T1 लग रहा है, T1 इसमें CSF हाइपो इंटेंसिटी, हाँ इसमें CSF हाइपर दिख रहा है, मतलब चमक रहा है, तो ये T2 है और ये T1 है। अब देखो हाइपो इंटेंसिटी, अब प्लेयर में जब देखते हैं पैथोलॉजी, प्लेयर में देखते हैं पैथोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है प्लेयर का। प्लेयर में जो भी पैथोलॉजी होगी वो हाइपर इंटेंसिटी मतलब चमकता हुआ दिखाई देगा, हाइपर इंटेंसिटी, एडिमा वगैरह जो भी होगा प्लेयर में सब हाइपर इंटेंसिटी दिखेगा ये प्लेयर में। और डिफ्यूजन लेते हैं स्ट्रोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन स्ट्रोक के लिए, डिफ्यूजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक के लिए, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक के लिए, स्ट्रोक के पेशेंटों में डिफ्यूजन लेना पड़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रोक के लिए है, ठीक है। इसमें इंफार्क्ट वगैरह दिखते हैं डिफ्यूजन में, इंफार्क्ट दिखता है डिफ्यूजन लेते हैं, मास वगैरह भी आता है तो डिफ्यूजन लेते हैं। और जीआरई है ब्लीड के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्लीड के लिए, इसमें ब्लीड दिखता है, ठीक है। ओके, टी टू टी वन लेते हैं पैथोलॉजी की कंपेयर करने के लिए, कौन सी पैथोलॉजी है कौन सी नहीं है, टी टू में पता है फ्लूड कैसा दिखेगा, टी टू में फ्लूड हाइपर दिखेगा, T1 में हाइपो इंटेंसिटी दिखेगा, मतलब ये से हम इसके सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं ना, अगर आपको पता नहीं है कैसा दिखेगा कैसा नहीं। और सहज कॉर्नर लेते हैं, एनाटॉमिकल सीक्वेंस है, एनाटॉमिकल सीक्वेंस है ये सहज और कॉर्नर, ये MRI ब्रेन, और इसमें कुछ नहीं करना है, इतने सीक्वेंस लेते हैं। और कभी कभी इसमें एपिलेप्सी प्रोटोकॉल लिख के कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मतलब जहां डॉक्टर जो मांगते हैं, अपने यहाँ सहज T1 लेते हैं, कॉर्नर T2 लेते हैं, तो जहाँ डॉक्टर जो मांगते हैं वही वो देते हैं। ओके, हाँ इसमें ये नहीं है कि T1 लो या T2 लो, कभी कभी आता है मल्टीपल एमएस आते हैं, तो उसके लिए हम सहज में फ्लेयर चलाते हैं, डॉक्टर मांगते हैं सहज में फ्लेयर चलाते हैं, उसमें जो पैथोलॉजी देते हैं डाउनसन्स फिंगर देखते हैं, उसमें डाउनसन्स फिंगर की पैथोलॉजी देखते हैं। ओके, और कभी किस लिए चलाते हैं?
एनजीओ ब्रेन की आर्टरी देखते हैं, स्ट्रोक के पेशेंट में एनजीओ चलाते हैं, ब्लीड के पेशेंट में एनजीओ चलाते हैं कि आर्टरी कहाँ बंद है, स्ट्रोक के पेशेंट में देखते हैं आर्टरी बंद है तो कहाँ से कहाँ तक कौन सी आर्टरी बंद है, एनजीओ चलाते हैं हमारे चलाएंगे एनजीओ के लिए अलग से 3D का सिक्वेंस आता है, 3D टॉप करके सिक्वेंस आता है, 3D टॉप करके सिक्वेंस आता है जो एनजीओ के लिए चलाते हैं, ये 3D का सिक्वेंस होता है। कभी कभी डॉक्टर एपिलेप्सी प्रोटोकॉल लिख के देते हैं, ये इसको बोलते हैं कभी कभी फिट्स भी बोलते हैं, फिट्स प्रोटोकॉल या एपिलेप्सी प्रोटोकॉल लिख के भेजते हैं, उसके लिए कॉर्नल T2 चलाते हैं थिन, कॉर्नल T2 फ्लेयर लेते हैं थिन स्लाइस की, थिन स्लाइस की होनी चाहिए, पतली पतली स्लाइस की, ठीक है, एक 3D कॉर्नल लेते हैं, एक 3D कॉर्नल लेते हैं, ये तो सिक्वेंस लेते हैं एपिलेप्सी में। और अगर ये एनजीओ हो तो 3D टॉप को चलाते हैं, 3D का सिक्वेंस होता है 3D टॉप, और अगर एपिलेप्सी का लिख के दिया तो एपिलेप्सी में ये चलाते हैं। कभी कभी स्ट्रोक प्रोटोकॉल लिख के देते हैं तो डॉक्टर स्ट्रोक प्रोटोकॉल में डिफ्यूजन पहले चलाना है, उसके बाद एनजीओ भी करना है, स्ट्रोक प्रोटोकॉल में डिफ्यूजन भी चलाना है एनजीओ भी करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में एपिलेप्सी के दो सिक्वेंस अलग से उठा के चलाने होते हैं थिन स्लाइस के, और ये ब्रेन में इतने देते हैं। कभी कभी ब्रेन में फिस्टा सिक्वेंस लिख के भेजते हैं डॉक्टर, फिस्टा किस लिए होता है, कभी कभी फिस्टा सिक्वेंस लिख के भेजते हैं डॉक्टर, फिस्टा देखते हैं ब्रेन की क्रैनियल नर्व, फेशियल पल्सी वगैरह हो, पेशेंट हिस्ट्री लो, फेशियल पल्सी वगैरह हो, कान में टिंगलिंग की आवाज़ सुनाई दे, टिटनेस की आवाज़ आती है, तो उसके लिए फिस्टा चलाते हैं, फिस्टा लेते हैं फेशियल पल्सी की, वो क्रैनियल नर्व देखने के लिए, क्रैनियल नर्व देखने के लिए फिस्टा लेते हैं। क्रैनियल नर्व 12 होती है, जो फिस्टा लेते हैं फिस्टा होता है क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व देखने के लिए 12 क्रैनियल नर्व होते हैं, दिखा रहा हूँ आपको, इसको हमिंग बर्ड बोलते हैं, जिसको हम कवर करते हैं, अभी आपको दिखा रहा हूँ ये फिस्टा का, फिस्टा में कितना कवर करते हैं, और फिस्टा का दिखाऊंगा, इस पर दिखाऊंगा, तो फिस्टा में हम लेंगे ये जॉनसन, ये दिख रहे हो ना, ये पक्षी की तरह लग रहा है, ऐसा कोई पक्षी बैठा हो, इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड, इसको हमिंग बर्ड ही बोलते हैं, इतना ही कवर करते हैं, मिड ब्रेन कॉन्स मेडुला, 12 क्रैनियल नर्व है, यहीं से निकलते हैं 12 क्रैनियल नर्व, जब डॉक्टर फिस्टा सीक्वेंस लिख के दे या फेशियल पॉलिसी वगैरह के लिए सीक्वेंस लिख के दे तो एक्स्ट्रा यही करना है, इतना ही कवर करना है, 3D फिस्टा का सीक्वेंस है, उसमें भी बहुत सारी इमेज आती है 3D में, मतलब 3D लिख के आगे 3D अगर सीक्वेंस है तो इमेज ज़्यादा होगी उसमें, ये इतना ही कवर करेंगे मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला, इतना ही कवर करेंगे, ये फिस्टा का सीक्वेंस है, फेशियल पॉलिसी वगैरह क्रैनियल नर्व देखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्रैनियल नर्व देखने के लिए करते हैं, ब्रेन में 12 क्रैनियल नर्व होते हैं, सारे यहीं से निकलते हैं, यहीं से सारे निकलेंगे, इतना इसलिए इसको करते हैं देखने के लिए। अब आपको दिखाते हैं स्पाइन, बस ब्रेन में इतनी सीक्वेंस है, ये चारों सीक्वेंस है, कभी एपिलेप्सी लिख के आया तो एपिलेप्सी का चलाना है, फिस्टा लिख के आया फिस्टा चला दो, और एनजीओ लिख के आया 3D टॉप चला दो, और कुछ नहीं करना है स्पाइन से। अब स्पाइन में बताते हैं आपको, स्पाइन में देखो, अगर स्पाइन में टीम बनाना, टीम बनाने का मतलब होल स्पाइन स्क्रीनिंग है, और या तो कोई भी स्पाइन हो, देखो पहले आप लेंगे सहज, इसमें लेते हैं सहज T2, सहज T1, सहज ईस्टर, देखो ईस्टर भी ले सकते हैं, कहीं कहीं सहज FS भी लेते हैं, ईस्टर या FS ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कॉर्नल ईस्टर या FS ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्जियल T2 और एक्जियल T1, ठीक है, इतने सीक्वेंस स्पाइन में लेते हैं, ये देखो ईस्टर में भी ईस्टर लो या FS लो, कोई मतलब नहीं, कुछ कोई FS मतलब फैट सप्रेशन, ईस्टर मतलब शॉर्ट टाइम इनवर्जन रिकवरी, ईस्टर मतलब शॉर्ट टाइम इनवर्जन रिकवरी, इसका मतलब फैट सेट, इसमें भी जो भी फ्लूड होगा वो हाइपर दिखेगा, फैट जो है सब ब्लैक कर देगा, FS मतलब फैट सरफेस मतलब फैट ब्लैक, फैट T1 T2 तो पता ही है जो ब्रेन में था, सेम वही इसमें है, फ्लूड इसमें फ्लूड हाइपर दिखेगा, इसमें जो फ्लूड है वो हाइपर दिखेगा, T1 का तो समझा ही दिया था, ब्रेन में जैसे T1 है इसका T1 सेम उसका T1 इसमें चलेगा ब्रेन की तरह। अब ईस्टर और FS, ईस्टर FS का मतलब ईस्टर जो है, ईस्टर या FS है फैट सेपरेशन, बता ही रहा है ये फैट सेपरेशन, इसमें फैट जो है फैट जो है वो सेपरेट कर देगा, फैट ब्लैक हो जाएगा, मतलब हाइपो हो जाएगा, हाँ हाइपो हो जाएगा, और जो फ्लूड है हाइपर हो जाएगा, फ्लूड जो है वो हाइपर हो जाएगा। अब कोई भी पैथोलॉजी होगा उसका सराउंडिंग एडिमा होगा, पैथोलॉजी मतलब सराउंडिंग एडिमा, एडिमा मतलब पानी भी जो है, जो भी पैथोलॉजी होगा इसमें, जो भी पैथोलॉजी इसमें होगा वो हाइपर दिखेगा,
जो भी पैथोलॉजी होगा इसमें हाइपर दिखेगा, जो भी पैथोलॉजी होगी वो हाइपर दिखेगा इसमें, बस यही है। और कॉर्नल स्टर में, कॉर्नल स्टर में देखो, कॉर्नल स्टर में हम लेते हैं कॉर्न, देखो आप कभी भी लोग बोलते हैं सैज स्टर ले लिया तो कॉर्नल स्टर के लिए, अब सैज स्टर ले लिया तो सैज स्टर के लिए, अब कॉर्नल स्टर में दोनों को हम सेम कंपैरिजन करेंगे ना, कौन साइड में आ रहा है पैथोलॉजी, कभी सैज में तो हमें अगर यहाँ बीच में दिख गया तो इसमें लेफ्ट राइट भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्जिल में भी लेफ्ट राइट डिफाइन करते हैं, और कॉर्नल स्टर एसआई जॉइंट के लिए भी करते हैं, एसआई जॉइंट कवर करते हैं कॉर्नल स्टर में, एसआई जॉइंट की पैथोलॉजी कॉर्नल स्टर में देखते हैं, एसआई जॉइंट की भी पैथोलॉजी कॉर्नल स्टर में देखते हैं, बस एक्जियल है, एक्जियल है डिस्क कवर करने के लिए लेते हैं, एक्जियल जो सीक्वेंस है वो डिस्क जो है उसको कवर करते हैं, एक्जियल के सीक्वेंस में डिस्कवर करते हैं, कभी पोर्ट्स स्पाइन होता है तो बहुत से डॉक्टर मांगते हैं अगर पोर्ट्स स्पाइन में तो पोर्ट्स स्पाइन में तो एक्जियल T2FS भी चला लेते हैं, एक्जियल T2FS भी चला लेते हैं पोर्ट्स स्पाइन में एक्स्ट्रा सीक्वेंस में, बस यही है। और बाकी पैथोलॉजी के हिसाब से सीक्वेंस बढ़ाते रहते हैं घटाते रहते हैं, जैसे पैथोलॉजी वैसे सीक्वेंस हटाएंगे घटाएंगे, समझ में आ गया? ओके, और तो कुछ नहीं पूछना है? नहीं सर। चलो ठीक है, बंद करते हैं।